राजेश भूषण सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करें बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी और इस समागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण का मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वितरण समारोह में जिसमें वर्ष 2022 हजार के आज पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे दिव्य सज्जनों मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की स्थापना उन्नीस में की गई नर्सेस के उनके उत्कृष्ट कार्य आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने उनके जुनून उनके जज्बे को सम्मानित करने हेतु और वर्तमान वर्ष 2022 हजार सहित अब तक कुल 614 सौ नर्सेस को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है पुरस्कार केंद्रीय राजकीय केंद्रीय शासित प्रदेश गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को दिए जाते हैं सराहनीय सेवाएं करने वाले नर्सिंग कर्मियों की उपलब्धता के चलते रक्षा सेवाओं के लिए भी एक पुरस्कार निर्धारित किया गया है आज एएनएम श्रेणी में पांच पुरस्कार रजिस्टर्ड लेडी हेल्थ विजिटर श्रेणी में एक पुरस्कार और रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ श्रेणी में नौ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे पहले वर्ष 2022 के 1 से 15 तक और उसके बाद वर्ष 2023 के 1 से 15 तक के पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः बुलाया जाएगा अब मैं सादर निवेदन करती हूं हमारी माननीय राष्ट्रपति जी से कि आप अपने कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान कर हमारे विजेताओं को सम्मानित करें तो शुरुआत करते हैं वर्ष 2022 से और एएनएम श्रेणी से इस कड़ी में पहला नाम है श्रीमती नमिता कलिता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ खानपाड़ा स्टेट डिस्पेंसरी गुवाहाटी असम आप एक समर्पित तो और सुव्यवस्थित कर्मी हैं, जो अपना कार्य सावधानी पूर्वक करती हैं। एक ए के रूप में आपका योगदान समुदाय के लिए मूल्यवान है विगत में आपको कई उल्लेखनीय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती नमिता कलिता श्रीमती सुजाता पीटर टुस्कानो ए एन एम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला पालघर महाराष्ट्र अपने पेशे की तरफ आपका समर्पण और जुनून काबिले तारीफ है आपको आपकी समर्पित और विस्तारित सामाजिक सेवाओं के लिए विगत में कई पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती सुजाता पीटर टुस्कानो श्रीमती दिमखान मंग हंगशिंग एन एम जेजाव के तहत कुलिया पीएचसी बीपीओ पंगलेन चुरा चांदपुर मणिपुर आप समुदाय के प्रति अपनी निस्वार्थ समर्पित और अनुकरणीय सेवाओं के लिए जानी जाती हैं आपने अपने स्वयं के व्यवसायिक विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लिया है श्रीमती डिमखान मंग हंगशिंग श्रीमती तेजावत सुशीला ए एन एम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला भद्राद्री तेलंगाना समुदाय में प्रदान की गई आपकी समर्पित सेवाएं विशेष रूप से गोटीकोया में जो कि दूरदराज क्षेत्र की एक आदिवासी बस्ती है और जहां पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है वहां पर आपका काम और सेवा उल्लेखनीय है आप अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती आई हैं श्रीमती तेजावत सुशीला श्रीमती रीटा मोंडल एएनएम कुलपी ग्रामीण अस्पताल जिला साउथ ट्वेंटी फोर परगना पश्चिम बंगाल आपके सराहनीय काम के लिए आपको कई वर्षों तक सर्वशेष निर्वाहक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आपको राज्य एवं जिला स्तर पर भी कई प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है श्रीमती रीटा मोंडल श्रीमती रिलायंस परंगतंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईस्ट जेंतिया हिल्स मेघालय यह एक जनजातीय क्षेत्र है आपने सेपुंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जनजातीय समुदायों की सेवा की है आप एक कुशल पेशेवर हैं और समुदाय की सेवा करने के लिए आप अपने कर्तव्य से परे भी कार्य करती हैं आपने जटिल प्रसव के दौरान कई महिलाओं की जान बचाई है आपका नेतृत्व कड़ी मेहनत पहल और सहानुभूति सराहनीय है श्रीमती रिलायंस परंगा श्रीमती एथोडो लिंगगी नर्सिंग अधिकारी जोनल जनरल हॉस्पिटल तेजू अरुणाचल प्रदेश आप एक उत्कृष्ट मेहनती और उत्साही स्वास्थ्य कर्मी आप टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक बहुत ही दूर के ह्यूलियांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर चुकी हैं। जोनल जनरल अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ने में आपके अथक प्रयासों के लिए आपको कोविड 19 योद्धा के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था श्रीमती एथोडो लिंगगी श्रीमती अनीता नाकरा सहायक निदेशक नर्सिंग दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आप एक सक्षम और सतर्क प्रशासक हैं आप दैनिक गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों को पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ करती हैं आपने कोविड नाइन्टीन संकटकालीन स्थिति के दौरान परिपूर्ण तरीके से अतिरिक्त जिम्मेवारियां ली और कोविड बंद के दौरान कैंसर देखभाल केंद्र को चालू रखा श्रीमती अनीता नाकरा मेजर जनरल स्मिता देवरानी वशिष्ठ सेवा मेडल अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा सेना मुख्यालय दिल्ली आपने शून्य से भी नीचे के तापमान वाले दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की हैं और कई जंगी कार्रवाई के दौरान हताहतों की देखभाल की है और सैकड़ों रोगियों की जान बचाई है आपने कोविड 19 महामारी के दौरान सभी ए अस्पतालों में टीकाकरण अभियान को सुव्यवस्थित किया यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत हताहतों की निकासी और प्रबंधन के लिए आपकी यूएन द्वारा सराहना की गई और विगत में आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है मेजर जनरल स्मिता देवरानी डॉक्टर पोरेड्डी विजयलक्ष्मी निदान एक प्रशिक्षक कॉलेज ऑफ नर्सिंग निमहंस बेंगलुरू पीएचडी के दौरान आपके शोध कार्य के लिए आपको अनेक प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया आपने कोविड 19 महामारी के दौरान निमहंस टेली नर्सिंग प्रैक्टिस दिशा निर्देश दो विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी और परामर्श सेवा प्रदान करने में निमहंस हेल्पलाइन का हिस्सा रही डॉ पोरेड्डी विजयलक्ष्मी श्रीमती हिंडुम्बी के मिडवाइफ लक्ष्मीप आप लक्ष्मदीप केंद्र शासित प्रदेश की पहली नर्स और मिडवाइफ हैं आपने भौगोलिक रूप से पृथक पृथक द्वीपों में कई रोगियों की जान बचाई है आप जटिल प्रसव कराने में सहायता प्रदान करने के लिए दूर दराज के द्वीपों तक गई हैं और पीपीएच रोगियों की जान बचाई है आपने जहाज पर ब्रीच डिलीवरी कर माँ और नवजात शिशु की जान बचाई आपने कुष्ठ और क्षय रोगियों की सेवा कैंसर और जरा चिकित्सीय रोगियों को उपशामक देखभाल देने के लिए भी स्वेच्छा से कार्य किया है श्रीमती हिंडुम्बी के श्रीमती सेपती साहू नर्सिंग अधिकारी जिला मुख्यालय अस्पताल नवरंगपुर उड़ीसा। आप एक ईमानदार कर्मठ और समर्पित नर्सिंग अधिकारी हैं एक आईसीयू नर्स के रूप में आप जटिल मामलों को कुशलता से संभालती हैं। आप एक कुशल एसबीए ट्रेनर भी हैं आपने कोविड रोगियों परिजनों और युवा नर्सों के परामर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आप गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल में सुधार लाने के लिए अपने कनिष्ठ कर्मियों और सहयोगियों के लिए एक आदर्श मॉडल हैं श्रीमती सेप्टी साहू श्री नीरज तंबोलिया, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जेके लोन अस्पताल जयपुर राजस्थान आपने सड़क व यातायात दुर्घटना में चोटिल पीड़ितों को बचाया है कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में सीपीआर देकर एक रोगी की जान बचाई और शॉर्ट सर्किट के दौरान पीआईसीयू से बच्चों को निकालने में मदद की है आप आम जनता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं आपने कोविड 19 महामारी के दौरान काफ़ी लोगों को अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने में भी सहायता की श्री नीरज तंबोलिया श्रीमती गणपति शांति चेन्नई तमिलनाडु आपने एनआईसीयू में काम किया है और वर्ष 2014 में तमिलनाडु में पहले मानव दुग्ध बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आप एक सक्षम कर्मठ और ईमानदार नैदानिक नर्स हैं आप उन्नत नर्सिंग प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण करती हैं कोविड प्रभावित नवजात शिशुओं के प्रबंधन में आपका योगदान उल्लेखनीय है श्रीमती गणपति शांति श्रीमती मंजू केड़ा एएनएस जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल रुद्रपुर उत्तराखंड रुद्रपुर डंगों के पीड़ितों की देखभाल में आपका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है आपने स्किल बर्थ अटेंडेंट दक्ष नेशनल स्किल ट्रेनिंग और पीपीआईयूसीडी इंसर्शन ट्रेनिंग के लिए जिला स्तरीय टीओटी किया है आपने कोविड अस्पताल का कुशलता से प्रबंधन किया आपके कायाकल परियोजना एंटी टोबैको ड्राइव और कोविड देखभाल में योगदान की सराहना की गई है श्रीमती मंजू केड़ा ये थे वर्ष 2022 के पुरस्कार और अब 2023 के लिए इसमें सबसे पहला नाम है श्रीमती सुचित्रा मिस्त्री एन एम पाथरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्ट ब्ले एंड निकोबार द्वीप समूह अपनी सराहनीय सेवा के लिए आपने ननकारी के जनजातीय समुदाय से सम्मान और विश्वास अर्जित किया है इस दूरदराज के द्वीप में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यंत्रीकृत नाव के माध्यम से समुद्री मार्ग से यात्रा कर आपने कोविड 19 टीकाकरण में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है जिसके लिए आपको अनेक प्रशंसा प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती सुचित्रा मिस्त्री श्रीमती गायत्री कुमारी एएनएम स्वास्थ्य उपकेंद्र गवय जिला शेखपुरा बिहार आप एक समर्पित ईमानदार और मेहनती नर्सिंग कर्मी हैं आप सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से लागू करती हैं परिवार नियोजन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विशेष नवजात देखभाल इकाई कोविड देखभाल पुरुष नसबंदी और महा टीकाकरण अभियान में आपकी सेवाओं की अत्यधिक सराहना की जाती है विगत में आपको कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है और आपके उत्कृष्ट योगदान को जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी सराहा व पुरस्कृत किया गया है श्रीमती गायत्री कुमारी श्रीमती नागरत्ना टी एएनएम उप केंद्र होनाली जनरल अस्पताल होनाली कर्नाटक आप एक मेहनती और प्रतिबद्ध नर्सिंग कर्मी हैं आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से भाग लेते हुए अपने उपकेंद्र के पांच गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रसव परिवार कल्याण सेवा नेत्र शल्य चिकित्सा आदि में सुधार किया है आपने अपने क्षेत्र में पैंतीस लोगों का टीकाकरण करके कोविड नाइन्टीन टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया आपको वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कोविड योद्धा पुरस्कार और अन्य तालुक स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं श्रीमती नागरत्ना टी श्रीमती मंजुलता महाराणा एन एम साहसपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र जिलापुरी उड़ीसा। आपने बाढ़ आपदा में एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान कई महिलाओं की जान बचाई है आप सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और आपने पिछले तीन वर्षों में शून्य मात्र एवं शिशु मृत्यु के साथ निन्यानवे प्रतिशत टीकाकरण हासिल किया है आप परिवार नियोजन सेवाओं की उत्कृष्ट प्रेरक हैं और आपने अपने सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में महिला नजबंदी हासिल की है श्रीमती मंजुलता महाराणा श्रीमती सुगंधी के ग्राम स्वास्थ्य परिचारिका राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आर तमिलनाडु आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शत प्रतिशत शुरुआती प्रसवपूर्ण पंजीकरण और शत प्रतिशत टीकाकरण हासिल किया है आपने शरणार्थी शिविरों और जनजातीय कॉलोनीज में विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों को अंजाम दिया महिला नजबंदी को बढ़ावा देने और किशोरों में अनीमिया और पोषण संबंधी कमियों को कम करने में आपकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय है श्रीमती सुगंथी के श्रीमती अंबिका प्रधान स्वास्थ्य सहायक महिला एस टी एन एम अस्पताल सोचक गंग पूर्वी गंगटोक सिक्किम आप सिक्किम ब्रांच टी एन इंटरिम एल एच बी चेयरपर्सन हैं आपने अच्छे स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने के लिए सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है कोविड 19 महामारी के दौरान किए गए आपके सराहनीय कार्यों के लिए विगत में आपको कई प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती अंबिका प्रधान श्रीमती फिरदौसा जान स्टाफ नर्स जम्मू और कश्मीर एक उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड के साथ अब आप पीएचडी कर रही हैं। आपने राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और आपके 16 लेख प्रकाशित हुए हैं जो अधिकतर मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग पर हैं। स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों और किशोरों के परामर्श में आपकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय है आप संसाधन संपन्न, कुशल और अपने काम के प्रति समर्पित हैं कोविड रोगियों के साथ आपके काम और झुग्गी झोपडियों में टीकाकरण के लिए आपके प्रेरणा की स्थानीय नेताओं और समाचार पत्रों द्वारा अक्सर सराहना की जाती है श्रीमती फिरदौसा जान श्रीमती गीता ए आर नर्सिंग अधिकारी ए आर रहीम मेमोरियल जिला अस्पताल कोलम केरल आपने जिला अस्पताल में सेवाभार ग्रहण करने से पहले कई अस्पतालों के विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों में काम किया है आपने जरा चिकित्सीय देखभाल मानसिक स्वास्थ्य कैंसर देखभाल उपशामक देखभाल और एचआईवी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपको कोविड 19 महामारी के दौरान व्यवसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष दो तथा बाईस के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पताल स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती गीता एआर श्रीमती पुष्पा श्रावण पोडे सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स जिला अस्पताल चंद्रपुर महाराष्ट्र आप एक प्रतिबद्ध और मेहनती नर्सिंग कर्मी हैं आप लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं विशेष रूप से नक्सलाई टू ट्राइबल एरियाज में आपका काम सराहनीय है आपने अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए कई सीएनई प्रोग्राम्स में भाग लिया है व आपको आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्थानीय स्तर पर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है श्रीमती पुष्पा श्रावण पोडे श्रीमती इरोम चंद्रबाला देवी सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सगोलमंग पूर्वी इम्फाल मणिपुर आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है जनजातीय समुदायों के बीच संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में विशेष रूप से मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति आपका योगदान सराहनीय है श्रीमती इरोम चंद्रबाला देवी श्रीमती सी ज्योपारी वार्ड अधीक्षक सिविल अस्पताल आइजोल आपने अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों के दौरान आइजोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूरदराज के इलाकों में कार्य किया है आपके द्वारा एक नवजात और पांच व्यसक व्यक्तियों को जीवन दान मिला आप 2000 से अधिक प्रसव करवा चुकी हैं आप सृजनात्मक हैं और परिवार नियोजन शिविरों और शल्य चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्तनों को विकसित करने में नूतन विचारों का उपयोग करती हैं आप क्लिनिकल प्लेसमेंट के दौरान छात्रों को पढ़ाने में भी रुचि लेती हैं श्रीमती सी जोपारी ब्रिगेडियर अमिता देवरानी ब्रिगेडियर एमएनएस मुख्यालय दक्षिणी कमान चिकित्सा पुणे महाराष्ट्र आप एक उत्कृष्ट शिक्षक और प्रशासक हैं वह अनुकरणीय पेशेवर कौशल और नेतृत्व क्षमता की धनी हैं। अपनी वर्तमान क्षमता में आप दक्षिणी कमान के तहत सेना नौसेना और वायुसेना के 50 अस्पतालों की निगरानी कर रही हैं कोविड COVID-19 महामारी के दौरान आपका काम सराहनीय था आपकी कांगो गणराज्य में यूएन मिशन के तहत हताहतों की निकासी और प्रबंधन के लिए यूएन द्वारा भी सराहना की गई है आपको आपकी उत्कृष्ट विशिष्ट सैन्य नर्सिंग सेवाओं के लिए विगत में कई पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर अमिता देवरानी श्रीमती साथिया कनी थंगराज उप नर्सिंग अधीक्षक जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी आपने डायलिसिस रोगियों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है आपने शल्यकक्ष रोगानुशोधन तकनीकों में योगदान दिया है और अस्पताल में फैलने वाले संक्रमण को कम किया है आपको नशा मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य चक्रवात और बाढ़ राहत कार्य बचाव अभियान और सुनामी के दौरान आपके उत्कृष्ट कार्य व सेवा और योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती साथिया कानी थंगराज श्रीमती माधवी राणे चिकले मुख्य नर्सिंग अधिकारी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली पंजाब आप एक कुशल नर्स शिक्षिका और प्रशासक हैं आप आत्मविश्वास नेतृत्व साहस और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं। आपने विभिन्न सीएनई प्रोग्राम्स में भाग लेकर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन किया है आप कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों में एक आयोजक और संसाधन व्यक्ति रही हैं अनेक मैराथन्स में भाग लेकर आप महिला सशक्तिकरण और महिला स्वास्थ्य की प्रेरक व एम्बेसडर रही हैं आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में फेलोशिप हासिल की है और आप युवा नर्सेस के लिए एक आदर्श हैं श्रीमती माधवी राने चिकले श्रीमती अबिस्मिता घोष सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी वेस्ट बंगाल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले आपने एक ग्रामीण अस्पताल में भी कार्य किया है कोविड कोविड-19 देखभाल और टीकाकरण में आपका योगदान उल्लेखनीय है आप समुदाय के लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करती हैं और अपने स्वयं भी नेत्रदान करने का संकल्प लिया है आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है विगत में आपको कोविड योद्धा के रूप में जिला पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है श्रीमती औबिस्मिता घोष तो देवी सजनू ये थे वर्ष 2022 हजार बाईस के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय राष्ट्रपति जी को कोटि कोटि धन्यवाद इन पुरस्कारों को प्रदान करने का अब माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति प्रदान करें